हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कंक्लूजन इज लाइक दिस प्रोडक्ट इज ऑसम। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फी रेडी टिंट इन सनस्क्रीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50, PA++, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, वाटर रेजिस्टेंट फॉर ऑल स्किन टाइप, एक्सक्लूसिवली बाय माय क्लैंप। So this is a sunscreen by MyClam. This is from their Popso range and this is so good. This video is not sponsored. They have not paid me. They have not bartered me anything like that. मैंने ये खुद ही अपने पैसों से खरीदा था review purpose के लिए। इसे मैं continuously 1 month, I think उससे ज़्यादा हो गया, मैं इसे use कर रही हूँ because ये SPF 50 है, PA++ है, तो मेरे office wear के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा अच्छा है ये। नाउ बेसिक थिंग इज़ द टिंटेड थिंग। इतना अच्छे तरीके से टिंटेड है ये कि आप इसे एक बार लोगे, आप दोबारा कोई और सनस्क्रीन पे नहीं जाओगे। मतलब मैं तो नहीं जा रही हूँ, मैं अपने बाकी सनस्क्रीन खरीदती हूँ रिव्यू पर्पज़ के लिए। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एम कैफीन का रिव्यू किया था, दैट्स ऑल्सो आई बाइड बिकॉज ऑफ द रिव्यू पर्पज़, बट अदरवाइज इन पर्सनल यूज़ मैं इसके अलावा किसी और को हाथ नहीं लगा रही हूँ। अब इसका मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। लुक एट द टेक्सचर, ओके, ये ऑलमोस्ट ओवर है, मैं दूसरा ऑर्डर कर चुकी हूँ। सो आई वाज लाइक, मैं इसको बचा रही थी डेमो के लिए और मेरे दूसरे, जब तक मेरा नया नहीं आता तब तक के यूज़ के लिए मैं इसको बचा रही थी। सो दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुल द टेक्सचर इज़। लाइक ऐसा लगता है ना ये प्राइमर है, मतलब ये क्या ही है। दिस इज़ सुपरली ब्यूटीफुल एंड यू कैन सी कोई ऑयलीनेस नहीं है, कोई वाइट कास्ट नहीं है, कुछ टैकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है मैंने प्राइमर लगाया है, सब स्मूदन हो जाता है, सनस्क्रीन जैसा बिल्कुल फील नहीं है। ये जो भी बनाया है ये बहुत अच्छा बनाया है। अब मैं क्विकली आपको इसकी डिटेल्स देती हूँ। सो बेसिकली ये आपकी 30 ग्राम्स की ट्यूब है और इसका जो MRP है दैट इज़ ऑफ 499, मतलब 500 रुपये की ट्यूब है ये 30 ग्राम्स। एंड आई फील इट्स वर्थ इट बिकॉज जो इसके साथ जो आपको एक चीज़ मिलती है ना कि वाइट कास्ट नहीं है, ऑयली नहीं है, जो कंफर्ट फील होता है कि अब आपको सनस्क्रीन उठाते टाइम बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी, उस चीज़ के पैसे हैं। आई स्वेयर बाय इट। मतलब जैसे मैंने इसे लिया है, इसको मैं स्वेयर बाय कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ पहले आप डेमो देखो बाकी चीज़ों से पहले। सो आई हैव टेकन द गुड अमाउंट, जितना सनस्क्रीन का अमाउंट होना चाहिए, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट लाइक दिस। यू सी दिस एक्चुअली मैटिफाइज एवरीथिंग। मतलब ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लगा कि इन्होंने प्राइमर में सनस्क्रीन डाल दिया है इंस्टेड ऑफ कि सनस्क्रीन में प्राइमर या फाउंडेशन डाले। आई डोंट नो, समथिंग हैज़ बीन डन विद इट। मुझे इतना पता है कि मुझे इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लगाने में बिल्कुल भी इशू नहीं होता है। See my face, there is no white cast, there is no oiliness, and there is like, क्योंकि ये थोड़ा primer जैसा है, moozy है, tinted है, it's almost like a moozy foundation plus primer, like something mixed like that. But I really like it and I really enjoyed it. But you do have to set it because ये दिखने में है कि बिल्कुल भी वैसा नहीं है, सेट हो गया है, ऑयली नहीं है, बट इट कैन मूव, तो सेट करना है, बट अदरवाइज आई रियली लाइक इट। नाउ बाय द डेमो यू नो कि हाउ ब्यूटिफुली दिस वर्क्स, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइमर। और इसके ऊपर फिर आप जब पाउडर कर लेते हो उसके बाद लगता ही नहीं है कि आपको बेस करना है। अगर आपको कोई पिंपल मार्क्स या ज़्यादा कोई इशू नहीं है, जैसे मेरा ये नॉर्मल पिंपल है, मैंने इसको बिल्कुल भी हाइड नहीं किया, मैंने इस सनस्क्रीन के ऊपर ही पाउडर लगा के मेकअप किया हुआ है, नथिंग एल्स। और उसके बाद ये थोड़ा सा मेरी स्किन ऑयली हो गई है बिकॉज मैंने पाउडर भी लगा लिया और उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगा लिया जो मैं लगाती नहीं हूँ, और अब हाइलाइटर और ऑयलीनेस मिक्स हो गई है मेरे फेस की। बट अदरवाइज दिस इज़ अ रियली नाइस सनस्क्रीन। अगर आपका बजट 500 का है
तो डेफिनेटली इसको ट्राई करो, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। बहुत अच्छी ट्यूब है, आराम से आप पोर्टेबल है, मतलब आराम से बैग में लेके आप इसको जा सकते हो। 2 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है, कोई पीओ नहीं है, 2 साल बोला है तो 2 साल ये प्रॉपर चलेगा। जो भी इसकी लास्ट डेट है, लाइक दिस हैज़ April 24 इसकी लास्ट डेट है, ये तब तक आराम से चलेगा। ऑब्वियसली ये इतने दिन तक तो रहेगा नहीं, कम्प्लीटली ऑलमोस्ट खाली हो चुका है ये। सो मैं इसको दूसरा भी लेने वाली हूँ। सो अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हो, आप सोच रहे हो ये कैसा सनस्क्रीन है, सो दिस इज़ डेफिनेटली अ मस्ट हैव सनस्क्रीन। सो हैव वी कम्प्लीट द वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे रिव्यू को शेयर कर देना अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है। अगर आपको सनस्क्रीन से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। सो मैं मिलूंगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन बाय। अगर आपको ऐसे ही सनस्क्रीन का रिव्यू देखना पसंद है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हेयर केयर देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।